सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गई हूँ अपने टैरो कार्ड्स के साथ आपके रूबरू, आपकी वीकली प्रेडिक्शन लेके। ये वीकली प्रेडिक्शन आपकी है 8th मार्च 2020 से लेकर 14th मार्च 2020 तक के लिए। और ये आप प्रेडिक्शन अपनी देखेंगे वेस्टर्न जोडियक साइन के अकॉर्डिंगली, या फिर लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, या फिर चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली, और या फिर अपने नाम राशि के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, जिसके जिस भी राशि से आप कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। इस प्रिडिक्शन में आपको मैं ये बताने वाली हूँ इस हफ्ते आपका माइंड, बॉडी और सोल कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी एरीज राशि के लिए देखते हैं एरीज राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जो है कमिंग वीक है मेष राशि वालों के लिए। तो हम उनके लिए कार्ड निकालते हैं। उनके लिए कार्ड जो निकले हैं, उनके लिए निकला है द हर्मिट का कार्ड और फाइव ऑफ वंड्स का कार्ड और फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो माइंड के लिए कार्ड उनका निकला है द हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि इस हफ्ते आप काफ़ी मेच्योरली बिहेव करेंगे, बहुत समझदारी के साथ बिहेव करेंगे, अपने जितने भी डिसीजन लेंगे सोच के समझ के तब ले आप लेंगे, यानी कि आप बच्चों वाले कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले, काफ़ी मेच्योरली एक्ट करने वाले हैं। एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर योर एरीज। ये आपका माइंड का कार्ड है। आपकी बॉडी का कार्ड रहेगा फाइव ऑफ वॉन्स। तो यानी कि आप मेहनत बहुत करने वाले हैं और अपने आप को सबसे अच्छे से अच्छा प्रूव करने के चक्कर में आप एग्जर्ट बहुत करेंगे। आप अपनी जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देंगे अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के चक्कर में, या कह लीजिए जैसे कि आप अपने जॉब में हैं तो जॉब में ज़्यादा दौड़ धूप का काम करेंगे, ज़्यादा आप ज़्यादा आर्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, बिजनेस में भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यानी कि आप अपने कॉम्पिटिशन को बहुत चैलेंज के रूप में लेने वाले हैं। और सोल के लिए आपका आ रहा है फाइव ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल थोड़ा बताता है, थोड़ा वीकनेस का कार्ड है ये बताता है कि इस हफ्ते जो है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये देख रहे हैं आप नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल में आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और औरत है, काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं हेल्थ में वो। फिर सर्दी का नीचे बर्फ़ देख सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल थोड़ा वीकनेस को दिखा रहा है, यानी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते आपको अपनी हेल्थ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रा सा भी कुछ हो तो आप तुरंत से डॉक्टर को दिखाइएगा। ठीक है, तो ये एरीज राशि वालों के लिए था माइंड, बॉडी, सोल का कार्ड। अब हम देखें अगर आपका लकी कलर क्या रहने वाला है। आपका लकी कलर रहने वाला है रेड और आपका लकी नंबर रहने वाला है 7। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी टॉरस। टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए माइंड, बॉडी एंड सोल के 3 हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम देखें तो माइंड का तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि आप बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं, आप बहुत मैनिपुलेटिव रहने वाले हैं और अपने वाक चतुराई से बहुत सारे आप काम करने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टॉरस राशि वाले। यानी कि 5 एलिमेंट आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप बहुत अच्छा मेंटली काम करेंगे, जो सोच विचार करेंगे वो बहुत परफेक्शन के साथ करेंगे। माइंड, बॉडी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। किंग ऑफ वॉन्स यानी कि आप अपनी वर्क प्लेस पे, चाहे वो आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बहुत परफेक्शन के साथ रहने वाले हैं। सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आप बहुत क्वालिटी वर्क करेंगे और आपकी जो जेस्चर्स होंगे, जो बॉडी मूवमेंट होंगी वो भी बहुत बैलेंस रहेंगी और अच्छा लोगों के ऊपर आपका काम का असर पड़ेगा। सोल के लिए आपका ये भी बहुत कार्ड अच्छा आया है, एस ऑफ वॉन्स आया है। एस ऑफ वॉन्स ये कहता है कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे, आप जो काम कर रहे हैं पूरे भरपूर फोकस करके करते रहेंगे, माइंड बॉडी सोल काफ़ी इकट्ठा जो है होके अपना जो है रिजल्ट देता रहेगा, काम करता रहेगा, जिसके कि प्रॉस्पेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए लकी कलर और लकी नंबर। आपका लकी कलर रहेगा मरून और आपका लकी नंबर रहेगा 1। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड राशि, जेमिनी। मिथुन राशि वालों के लिए माइंड एंड देन बॉडी एंड देन सोल निकालते हैं। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है। इनके तीनों ही कार्ड्स कप्स के कार्ड निकले हैं, यानी कि ये हफ्ता काफ़ी इमोशंस भरा हुआ होगा।
आप बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिल की सोचेंगे, दिल से सारे काम लेंगे, माइंड से काम नहीं लेंगे। तो माइंड मीन्स थ्री ऑफ कप्स, यानी कि आपका बहुत मन करता रहेगा कि आप गेट टुगेदर करें, लोगों में उठे बैठे इंजॉय करें, आपका ना उस तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा माइंड, मतलब माइंड आपका सेलिब्रेशन की तरफ या पार्टी करने की तरफ उस तरफ ज़्यादा रहेगा, काम की तरफ थोड़ा मुझे नहीं दिखता कि आपका फोकस रहेगा। बॉडी के लिए अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स ये कहता है बॉडी जो है ये भी थोड़ी सी थोड़ी लिथार्जिक रहने वाली है। इसके साथ देखिए माइंड के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका मन ज़रूर करेगा लोगों में बैठें, बातचीत करें, इंजॉय करें, पार्टी करें, बट आपकी बॉडी आपका इतना साथ नहीं देगी, आप बहुत लेज़ी लेज़ी फील करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहें तो वहाँ पे आपको रुकावट आ जाए, या कह लीजिए रुकावट किसी भी तरह की हो सकती है, कोई रोक सकता है या कोई इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, या फैमिली का कुछ काम ऐसे हो सकता है कि आपको जो है वो पार्टी वगैरह जो है वो छोड़नी पड़े, तो इस तरह से आपका जो है बॉडी रिएक्ट करेगी। हाँ, अपनी अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको कंप्लीट अच्छे से लेते रहिएगा, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा हेल्थ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, बहुत लेज़ी लेज़ी रहने वाले हैं। सोल में आता है आपको, ये आता है आपका सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप किसी की याद में बहुत घिरे रहेंगे, पुरानी यादें जो हैं बहुत ज़्यादा आपको घेरी रहेंगी, पुराने लोग आपको याद आते रहेंगे। जेमिनाइज, मुझे नहीं पता कि क्या किसकी याद आएगी या क्या चीज़ें होंगी, पर हाँ आप कुछ, आपको इस हफ्ते ना मेमोरीज बहुत हॉन्ट करेंगी, यानी आपको आपको ना जो फ्रेंड्स रहे हों या फैमिली मेम्बर्स रही हों, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई याद आता रहेगा, आप काफ़ी इस हफ्ते को मेमोरीज में जीने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या रहता है। आपका लकी कलर रहेगा पिस्ता ग्रीन और आपका लकी नंबर रहने वाला है 4। तो चलिए अब हम चौथी राशि की तरफ जाते हैं। चौथी राशि हमारी है कैंसर। कैंसर के लिए ये माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो कैंसर है इनके लिए भी मेरे को 3 कार्ड मैंने निकाले। इनका पहला कार्ड है माइंड, नाइट ऑफ कप्स माइंड के लिए कार्ड आया है, यानी कि माइंड काफ़ी जो रोमांटिक रहेगा, वांट ऑफ लव रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे आप माइंड में या तो किसी को आप बहुत प्यार करते हैं और उसको इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो मौका देखते रहेंगे आप कि उसके साथ हम कैसे स्पेंड करें टाइम, मेंटल दिमाग में वही वो हो रहेगा, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आया है या नया बंदा नहीं आया है, जो आपका पार्टनर है उसी की तरफ आप काफ़ी जो झुकाव महसूस करेंगे, प्यार महसूस करेंगे, रोमांटिक महसूस करेंगे, तो ये आपके माइंड में ये सब रहने वाला है। और माय बॉडी के लिए अगर देखा है तो वहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, यानी कि अपने इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, भावुक होने वाले हैं, बिल्कुल जैसे फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, अगर कोई मेल है तो वो फीमेल्स की तरह भावुक रहेंगे और कोई फीमेल है तो वो तो होंगी होंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हफ्ता रहने वाला है। और बॉडी आपकी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि खूब आप पानी ज़रूर पीजिएगा, खूब आपकी भी बॉडी मेरे को थोड़ी सी वीक वीक सी नज़र आ रही है, थोड़ी लेथार्जिक, थोड़ा लेजीनेस मुझे नज़र आ रहा है। सोल देखें, हाँ सोल जो है द टावर का कार्ड आया है, तो सोल द टावर का कार्ड ये कहता है कि आप किसी सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, पूरे हफ्ते जो है कोई इमोशनल आपको ऐसा सेटबैक लगा है या तकलीफ हुई है या किसी की तरफ इतने ज़्यादा भावुक हो गए हैं आप, या कुछ अनप्लेजेंट सिचुएशन रही है, कुछ आपके जो है एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके वजह से आप कुछ इस हफ्ते ऐसे रहेंगे कि ये जो है ये जो सिचुएशन है इससे आप भागना चाह रहे हैं। और टावर का कार्ड ये कह रहा है कि जितना पीछे आपका भावनात्मक स्ट्रेस या कुछ रहा होगा वो अब एंड हो रहा है और अब वो ख़त्म हो के आगे देखते हैं। ये हफ्ता तो थोड़ा ख़त्म होने होने तक रहेगा, पूरा हफ्ता ऐसे ही रहेगा, आप जो है जो चीज़ें हैं उनको भूलना चाह रहे हैं, जो भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हुए हैं या किसी के साथ कुछ भावनाओं के इमोशनल फ्रंट पे किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई है या हर्ट फील हुए हैं, तो वो पोर्शन आप छोड़ना चाह रहे हैं, या इमोशनली आप, हो सकता है कि आपको जो चाहिए किसी से वो आपको ना मिल रहा हो तो भी आप जो है आप इमोशनली थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वो
एज फेज जो है इस हफ्ते धीरे धीरे करके 14 तक वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका लकी नंबर और लकी कलम। आपका जो लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 9 और आपका लकी कलर रहेगा वाइट। तो चलिए अब हम चलते हैं लियोज़ के लिए। लियोज़ के लिए ये माइंड बॉडी एंड सोल कैसे रहने वाला है। ओके नाउ माइंड इज़ वेरी गुड, क्वीन ऑफ वॉन्स, बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे, इंट्यूटिव माइंड भी यूज़ करेंगे और बहुत समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि फीमेल्स तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, समझदारी से काम करती हैं। अगर कोई मेल भी हैं तो वो भी बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे मेंटली, और जो है प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे। माइंड में काम रहेगा, माइंड में सिर्फ काम रहेगा, इंजॉयमेंट या फिर पावर या पैसे वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखेगी आपके लिए। लियोस काम रहेगा, माइंड बॉडी, बॉडी आपकी आ रही है 4 of Wands, ये भी बता रही है कि आपकी बॉडी भी बहुत साउंड रहने वाली है, आप बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, आप जो काम हाथ में उठाएंगे वो उसको जो पूरा करेंगे और आपकी बॉडी बिल्कुल आपका साथ देगी। कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ काम करने हैं तो इस हफ्ते आप अपने काम भी बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं और हेल्थ भी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन जो सोल का कार्ड है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। 2 of Swords है, 2 of Swords ये कह रहा है कि आप अपने आप पे पट्टी बांधे हुए हैं और तलवारें दोनों ऐसे क्रॉस किए हुए हैं और पानी भी है, लैंड भी है, यानी कि कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनको आप इस हफ्ते नहीं सोचने वाले। आप इस हफ्ते जितनी भी कन्फ्यूजन वाली स्थितियाँ हैं उनको आप कहीं छोड़ देंगे, उनकी तरफ आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ फोकस रहेंगे अपने काम की तरफ, एंड विच दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। अब देखते हैं आपके लिए लकी कलर और लकी नंबर क्या रहने वाला है। आपका लकी कलर रहने वाला है लाइट येलो और आपका लकी नंबर रहने वाला है 8। ठीक है लियोस, तो ये था आपके लिए। चलिए अब हम बाकी राशियों के लिए भी बताते हैं। अब बारी है वर्गोस के बारे में, वर्गोस का ये वीक कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है मैं बिल्कुल लाइव करती हूँ, पहले से बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है, स्क्रिप्ट करना मुझे पसंद नहीं है, मैं देर एंड देर ही करती हूँ। तो जो ये है बिल्कुल जेन्युइन आपकी रीडिंग चल रही है वीक के लिए। तो चलिए, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ सब इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए वर्गोस के लिए देखते हैं, माइंड एंड देन बॉडी एंड देन सोल। नाउ इनके लिए अगर हमने देखा माइंड बॉडी सोल के लिए देखा, वर्गोस जजमेंट का काइंड है, माइंड में बहुत ज़्यादा सही गलत का आप सोचते रहेंगे, मेंटली आप बहुत जो है ऑक्यूपाइड रहेंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कह लीजिए काम में या पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप में या किसी भी मॉनिटरी सिचुएशन में, कहीं पर भी आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं रहेंगे इस हफ्ते। क्या सही है क्या गलत है आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में आप खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं। तो ये सिचुएशन आपकी पूरे हफ्ते रहने वाली है। बॉडी आपकी फिर से किंग ऑफ कप्स का आया, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वीक रहने वाले हैं, वीक इन द सेंस इमोशनली थोड़ा लिथार्जिक रहेंगे, लेजी रहेंगे, नींद बहुत आएगी, सुस्ती रहेगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहेंगे, हर चीज़ जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाएंगे और जल्दी से हो सकता है आंसू भी निकल आएँ। तो बॉडी इस तरह की रहने वाली है आपकी वर्गोस। और सोल ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, जजमेंट के कार्ड से भी यही पता चल रहा था, ये जो आपका माइंड का कार्ड आया था इससे भी यही पता चल रहा था कि यू आर स्टक। और अब जो ये है सोल का कार्ड आया है 7 of Pentacle, इससे भी यही पता चल रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, फाइनेंशियली भी और करियर वाइज भी, इमोशनली भी, हर जगह आपकी हर ना कुछ एक रोक लग गई है। तो ये हफ्ते अभी ये सिचुएशन बरकरार रहने वाली है वर्गोस। लेट्स सी आपका लकी कलर और लकी नंबर क्या रहने वाला है। आपका लकी कलर रहने वाला है ऑरेंज और आपका लकी नंबर रहने वाला है 8। तो चलिए अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं हम, हमारी लिब्रा राशि, उनके लिए निकालते हैं माइंड फिर बॉडी एंड सोल। नाउ वेरी गुड, नाउ बहुत चैलेंजिंग है ये हफ्ता आपके लिए, लेकिन आपके मैं विल पावर की दाद देती हूँ जो मेरे कार्ड्स आए हैं। माइंड द एम्परर, यानी कि आप अपने डिसीजन पे डटे रहेंगे, आपने जो सोच लिया है वो आप करके रहेंगे, आप में बहुत एनर्जी है, बहुत पावर नज़र आ रही है,
कहीं पे वीकनेस है, पर उस वीकनेस को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लिब्रंस तुला राशि वाले, आप लोग का माइंड बहुत बढ़िया चल रहा है, चाहे कुछ सर्कमस्टांसेस रहे होंगे लेकिन उनको भी आप ओवरलुक कर रहे हैं और अपने जज्बे को बना के माइंड से अपना अपने आप को स्ट्रांग बनाते रहेंगे। लिब्रंस बॉडी बॉडी आपकी बहुत परफेक्ट रहने वाली है, तो वो वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे। आप दुनिया की सारी खुशियां लेना चाहते हैं और लेंगे, तो ये जो आपकी डिटर्मिनेशन है ये इस हफ्ते बहुत मैं देख रही हूँ। जबकि जबकि तीसरा कार्ड हमारा सोल का कार्ड है, तीसरा कार्ड है हमारा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जबकि आपके दिल में बहुत सारे खंजर जो हैं, यानी कि आप बहुत तकलीफ में हैं, आप बहुत हर्ट में हैं, आपको लोगों ने बहुत तकलीफ दी है या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं, पर फिर भी लिब्रा राशि वाले अपनी जो है मनोबल बना के रखिएगा, और मुझे दिख रहे हैं आप बना के रखेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू लिब्रास, कीप इट अप। तो चलिए अब देखते हैं आपका लकी नंबर और लकी कलर क्या है। आपका लकी कलर रहने वाला है बेज और आपका लकी नंबर रहने वाला है 6। तो चलिए अब हम चलते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, माइंड बॉडी एंड सोल। अब माइंड बॉडी सोल निकालते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। तो माइंड कह रहा है और हार्ड वर्क करना है, और हार्ड वर्क करना है, और चाहिए और चाहिए, यानी कि सेटिस्फेक्शन नहीं दिखता मुझे इस हफ्ते। आपको लगता है मुझे ये भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अब जो आपका नेक्स्ट कार्ड है बॉडी का कार्ड है, वो भी सेम चीज़ कह रहा है, वो भी ये कह रहा है 7 of cups, यानी कि आप और मेहनत करना चाहते हैं, और अच्छा जॉब में या बिजनेस में करना चाहते हैं, आपको और इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको और प्यार चाहिए, हर चीज़ का और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इस हफ्ते आपके लिए और वर्ड बहुत होगा, और ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, और अपना आप 100% देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका फिर तीसरा कार्ड आता है सोल का कार्ड, जो कि ये कहता है 10 of wands। यही कार्ड ये कह रहा है कि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे, अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके लकी कलर और लकी नंबर की तरफ। आपका लकी नंबर है 2 और आपका लकी कलर रहेगा वाइट, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको अभी यहीं पर ब्रेक करते हैं, और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बैटरी फुल हो गई है। बाकी राशियों के लिए मैं जल्दी से आपके लिए प्रिडिक्शन लेके आती हूँ, बस अब मैं यूं गई और यूं आई क्योंकि सिर्फ 4 राशियाँ बची हैं। टेक केयर।